आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव की घोषणा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होगी वोटिंग। गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर और बलिया में 6 चरण में होगी वोटिंग। मतगणना होगा 10 मार्च को। गीड़ा थाना क्षेत्र के क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान, नहीं हुई कोई जनहानि। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने 10 टैंकरों के सहयोग से आग पर पाया काबू। फैक्ट्री में फंसे मजदूरों को सकुशल किया गया रेस्क्यू। कहा, जले सामानों की जा रही है जाँच। गोरखपुर के एसएसपी, डीआईजी रहे एवं वर्तमान में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद वीआरएस के लिए किया आवेदन। कन्नौज सदर से भाजपा से विधानसभा चुनाव लड़ने की है उम्मीद। एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, थाना समाधान दिवस में आए मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए हैं निर्देश। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 353 केंद्रों पर 45,169 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 31,066 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 14,102 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, प्रदेश में बढ़ रही कोविड की तीसरी लहर, सभी लोग करवा लें वैक्सीनेशन, करें कोविड के नियमों का पालन। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वावधान में धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और यह समय विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। राजगढ़ पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते जा रहे हैं मामले। शनिवार को 145 पाए गए नए मरीज, 5,645 लोगों की हुई सैंपलिंग, 2.5% से ज्यादा हुई संक्रमण की दर। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 396। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी।